शुरुआत करते हैं आज के वैदिक पंचांग से। आज है दिनांक 13 अप्रैल 2023, दिन गुरुवार, विक्रम संवत 2080, सख संवत 1945, अयन उत्तरायण, बसंत ऋतु, वैशाख का मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि है जो रात्रि 11:34 उसके पास नौमी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा और 10:43 तक रहेगा और उसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा। योग है शिव दोपहर 12:34 तक और उसके पश्चात सिद्ध योग लग जाएगा। राहु काल दोपहर में 14:14 से शाम को 15:48 तक रहेगा। अगर हम व्रत की बात करते हैं तो आज है शीतला अष्टमी का व्रत और अष्टमी को नारियल नहीं खाना चाहिए वरना बुद्धि का नाश होता है। अब बात करते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। तो सबसे पहले बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जिनका जन्मदिन है आज। आज है 13 तारीख और 13 तारीख को जन्मे व्यक्ति का मूलांक होता है 4 और 4 मूलांक वाले व्यक्ति प्रभावित, जीवित, जिद्दी, कुशाग्र बुद्धि और साहसी होते हैं। जीवन संघर्षशील होता है, अभिमान होता है और ऐसे व्यक्तियों को जीवन में परिवर्तन का बहुत सामना करना पड़ता है और भाग्य इनका अच्छा होता है और अधिकांशतः लोग कुल दीपक होते हैं और दिल के कोमल और बाहर से बहुत कठोर होते हैं। नेतृत्व क्षमता आप में अधिक पाई जाती है। अब बात करते हैं कौन से आपके लिए शुभ दिनांक है। तो शुभ दिनांक है आपके लिए 4/8/13/22/26/31, शुभ अंक 4/8/18/22/45/57 और शुभ वर्ष 2031/40/60। आपके इष्ट देव हैं भगवान श्री गणेश और भगवान श्री हनुमान जी। शुभ रंग है आपका नीला, काला और भूरा और कैसा रहेगा ये वर्ष हम जानते हैं। तो मान सम्मान में वृद्धि होगी, मित्र वर्ग का सहयोग रहेगा, नवीन व्यापार की योजना प्रभावी होने तक गुप्त रखें, वर्ष पिछले वर्ष के दुष्प्रभावों को दूर करने में सक्षम होगा, सजग रहकर कार्य करना होगा, शत्रुपक्ष पर प्रभावपूर्ण सफलता मिलेगी, नौकरी पेशा व्यक्ति प्रयास करे तो उन्नति के चांस है, विवाह के मामलों में उन्नति, आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे। अब बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए आज का जो दिन है वो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यवसायिक गतिविधियों में जुड़ने का मौका मिलेगा। लंबी यात्रा, दूरी यात्रा पर जाने के लिए प्रयास कर रहे तो वाहन सावधानी से चलाएं और दुर्घटना का भय सता सकता है। बात करते हैं वृष राशि के। तो आज का दिन अकस्मात लाभ दिलाने वाला होगा। परिजन सीख पर चलकर आगे बढ़ेंगे जिसके आपके साथ कभी का काम आसानी से बनेंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे तो आज किसी प्रॉपर्टी से अच्छा लाभ मिल सकता है और किसी भी काम को नियमों पर पूरा करें नहीं तो बाद में आपको समस्या हो सकती है। बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बाकी दिनों की तुलना में बेहतर रहेगा। कुछ अपरिचित लोगों से दूरी बनाकर रखिए नहीं तो आपके लिए बेहतर होगा और आपको आज कोई समझौता करने से बचना होगा। बड़ों की बात सुने और उस पर अमल करें। स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या चल रही तो आज दूर होगी। बात करेंगे कर्क राशि की। तो आज का दिन दाम्पत्य जीवन में मधुरता लेकर आएगा और वाणी और व्यवहार में लोगों का दिल जीतने में कामयाब होंगे। जीवन साथी का सहयोग भरपूर मात्रा में मिलता दिखाई दे रहा है। कोई मित्र आपके लिए कोई निवेश संबंधी सूचना लेकर आ सकता है। बात करेंगे अगर सिंह राशि की। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बजट बनाकर चलना होगा और घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। परिवार में कोई वरिष्ठ सदस्य अगर आपको सलाह दे रहा है तो उस पर काम अवश्य करिए। स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही है तो उसे नजरअंदाज मत करिए। बात करते हैं कर्क राशि, कन्या राशि की। तो आज का दिन प्रेम जीवन में जी रहे लोगों के लिए खुशहाली लेकर आएगा। उनके साथ ही से रिश्तों में जो तनाव चल रहा था वो दूर होगा। माता पिता के आशीर्वाद से आज आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा और परिवार के किसी सदस्य के रिटायरमेंट होने से आज उसकी पार्टी, सरप्राइज पार्टी का आयोजन हो सकता है। अब बात करेंगे तुला राशि की। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बुद्धि और विवेक से निर्णय लेने के लिए रहेगा और भूमि वाहन की खरीदारी कर सकते हैं और आप कोई काम तुरंत आगे न बढ़ाए। आपको संतान की शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर गुरुजनों से बात करनी होगी। बात करेंगे अगर वृश्चिक राशि के। तो आज का दिन अनुकूल रहेगा। भाई बंधुओं से कुछ सीख लेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको किसी को भी बिना मांगे सलाह देने से बचना होगा। साख और सम्मान आप बढ़ाएंगे। अपनी सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर खरीदारी करके अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। बात करेंगे धनु राशि। तो आज का दिन मान सम्मान में वृद्धि लेकर आएगा। सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे।
घर परिवार में कोई अनबन चल रही है तो उसे आज आप दूर करेंगे। सभी सदस्य एक दूसरे के करीब आएंगे। परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की हो सकती है। बात करेंगे मकर राशि की, तो आज का दिन आपके लिए राजनीतिक कार्य से जुड़ने के लिए, नाम कमाने के लिए आसानी रहेगा। कुछ लंबे कार्य अगर काफी लंबे समय से रुके हैं तो आज वो पूरे होंगे। अपने वाणिज्य व्यवहार में मधुरता बनाए रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। अगर हम बात करेंगे कुंभ राशि की, तो आज का दिन खर्चा बढ़ रहेगा, बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण लगाए। अनजान लोगों से दूरी बनाए रखें बेहतर होगा। महत्वपूर्ण कार्यों का अपना लटकाएं, नहीं तो समस्या हो सकती है। किसी सरकारी काम में नीति नियमों का पालन अवश्य करें। और बात करते हैं मीन राशि की, तो नौकरी में कार्यरत लोगों को आज पुरस्कार मिलने से उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। व्यावसायिक गतिविधियां में प्रभाव बनाए रखेंगे। शत्रु पक्ष कुछ रोड़ा अटका सकते हैं। आय एक से अधिक स्रोत से प्राप्त होगी और कुछ लोग आपकी छवि खराब करने की आज कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने अनुभवों से फायदा मिलेगा। अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता दे रहे हैं। आज पंचक के बारे में बता रहे हैं कि पंचक जो प्रारंभ है वो शनिवार 15 अप्रैल 2023 से शाम को 6:44 तक प्रारंभ होगा और जो समाप्त होगा वो 19 अप्रैल 2023 पूर्वान 11:53 पर समाप्त हो जाएगा। कृष्ण पक्ष की एकादशी 16 अप्रैल रविवार को है और कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत सोमवार 17 अप्रैल को है। और एक आज महत्वपूर्ण टिप्स कि आम के आम गुठलियों के दाम, आम की गुठली को तोड़कर उससे निकली हुई गिरी को टुकड़े करके नमक में सेक ले, 100 ग्राम लेने से साल भर आपको B12 की कमी नहीं होगी, विटामिन B12 की। ये था हमारा आज का राशिफल। तो बने रहिए यूपी एक्सप्रेस के साथ और हमें दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।